हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब ठीक हैं। तो अभी सर्दी वापस हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है हमारे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है 4:30 बजे का, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ हाथ मुँह धो के, क्योंकि जिस दिन मेरे को ज़्यादा सफाई करनी होती है ना, जैसे सीढ़ियों में, छत पे, तो मैं थोड़ा जल्दी लग जाती हूँ ताकि सुबह दिन निकले जब तक काम हो जाए झाड़ू का। तो मैं अभी जल्दी निकाल रही थी झाड़ू सीढ़ियों में सब जगह, और छत भी साफ़ कर दूंगी। और ये मेरा काम 6 बजे तक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में मैं नहाऊंगी और नहा धो के फिर मैं बच्चों का टिफ़िन भी बनाना रहता है तो वो भी बनाऊंगी। और अभी नहा धो के पहले मैं चाय पीऊंगी, फिर टिफ़िन बनाने की तैयारी कर दूंगी। यहाँ पे बन रही है बढ़िया इलायची वाली चाय सुबह, और इधर मैं आटा लगा दी, गैस में रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए नहा धो के मैं और चाय बनने के लिए रख दी, इधर आटा लगा के इसमें डाल के रख दूँगी मैं टिफ़िन में, क्योंकि फिर जब भी मेरे को रोटी बनानी होगी मैं बना लूँगी। और इधर बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं आटा लगा के रख दी, क्योंकि फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। और इधर देखिए इतना मतलब कोहरा हो रहा है हमारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए 7:30-8 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं, तो अभी भी कोहरा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारे, और ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड इतनी बढ़ गई है। और देखिए गाइस, सर्दी इतनी हो रही है कि मैं शिवम बच्चे को स्कूल छोड़ने गई तो हाथ बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे हो गए, देखिए बिल्कुल एकदम फुल अंगुलियाँ ही काम ही नहीं कर रही है। तो मैं सब्जी लेके आई हूँ, धनिया है, पालक है, गाजर और मूली है, दूध लेके आई हूँ, और ये मोटी वाली मिर्ची है। सर्दी का पूछिए मत, इतना कोहरा हो रहा है, तो अभी भी मारे इधर देखिए सारी सब्जियाँ मैं धो के रख दी, मूली लेके आई थी तो इनको भी, और ये है हरा धनिया, मोगरी और हरी मिर्च, और इधर गाजर टमाटर सब मैं धो के रख दी। और इधर दिन में बच्चों का मैं साफ़ कर रही थी रूम, थोड़ी सी मुझे इसमें लाइट लगानी थी बारीक वाली, तो वह मैं इसमें डेकोरेट कर रही थी जलाने के लिए। और भी काफ़ी सारे सामान रखने थे मेरे को जो रखूँगी मैं। और ये देखिए गिफ्ट में डिब्बे आए थे काफ़ी सारे, तो इनको खाली होने के बाद साफ़ करके अच्छे से, और ये जो सामान है रखने के में कड़े वगैरह जो थोड़े हेवी होते हैं उनको मैं इस तरीके से रख रही हूँ, क्योंकि इनमें इतनी डस्ट लग जाती है बाहर ऐसे रखते हैं जब, और पॉलीथीन भी ख़राब हो जाती है, तो मैं ये कड़े वगैरह जो हैं इनमें रख रही हूँ। और जैसे शादी हुई, कोई भी प्रोग्राम हुआ, जब जाते हैं ना तो मिलती नहीं है ज्वेलरी हुई, कड़े वगैरह जो भी सामान है एक जगह रखे रहते हैं ना, तो मिलते नहीं है, तो अलग अलग डिब्बों में रख दी। और देखिए जो थोड़े सी बच गए हैं ना, तो मैं ये जो बचे हुए सामान है ये भी रख दूँगी। ये देखिए 3-4 और बच गए, तो इसके अंदर भी मैं रख दूँगी। ओनली पढ़ाई के लिए लेना है, ठीक है ना। और ये देखिए मैंने निकाल दी क्या इसके ऊपर, हाँ वाइट है लेकिन बहुत ज्यादा गंदी होगी बेटा, मेरे को क्या मतलब है। अरे मेरी इसके ऊपर देखो, मैं भी कैसा लग रहा हूँ, मेरी भी बनाओ छपरी, छपरी लग रहा है। ये और मेरे पास बच गए थे एक दो, तो इनके अंदर मैं रखूंगी भी सारी ज्वेलरी, अभी फिलहाल मैं इनके अंदर ही रख देती हूँ ताकि ये मिलने में आसानी रहे थोड़ी। और ये देखिए मेरी दोस्त थी वो ले ला के दी थी मेरे को, तो ये कैसे है आप बताना, देखिए इस तरीके के हैं, ये देखिए इस तरीके से हैं। ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ।
और ये साड़ी पिन है जो हेवी वाले पिन है साड़ी के, वो भी मैं इनमें रख रही हूँ ताकि सेफ रहे, एक भी नग अगर निकल जाता है ना तो ख़राब लगता है फिर। और ये हमारे जो रखड़ी लगाते हैं ना वो भी मैं रख रही हूँ एक जगह, ताकि एक जगह मिल जाए। जो राजपूती ड्रेस पे जो भी पहनते हैं वो मैं एक जगह रख रही हूँ और बाकी एक साइड रख रही हूँ। ये जो जब पहनते हैं कान में कुछ भी झुमके वगैरह तो पेच मिलते नहीं है, तो वो पेच भी मैं साथ में रख रही हूँ अलग से ताकि मिल जाए इजिली। और ये सारा सामान दे के पैक हो चुका और ये इजिली मिल जाएंगे जब भी जल्दबाजी में होते हैं कहीं जाते हैं जब, तो मैं रख दी इस तरीके से। कुछ भी खाना होता ना खजूर वगैरह तो मैं यहाँ रख देती हूँ बच्चों के लिए। और सारी सफाई वगैरह होने के बाद कुछ इस तरीके से रूम लग रहा है। और देखिए बिना लाइट के ये जो छोटी वाली लाइट है बहुत ही सुंदर लग रही थी बच्चों के रूम में। और उसके बाद में मैं थोड़ा सी दलिया मेरे को पीसना था तो आटा और दलिया दोनों में साथ में पीस के और छान के साथ में डाल देती हूँ डिब्बों में। मैं रोज़ रोज़ नहीं छानती हूँ, इस तरीके से डाल देती हूँ। और फिर देखिए शाम को मैं पकौड़ी बनाई पालक की, तो ये बाजरे के आटे के अंदर बनाई थी डाल के बाजरे का आटा। और बच्चों का भी मन था पकौड़ी खाने का तो वो मैं बना रही थी। ये चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है बाजरे के आटे की पकौड़ी, है ना। हमारा खाना खाया कैसे लगी कानू? टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है बाजरे की पकौड़ी का, बाजरे के आटे की पकौड़ी। और पकौड़ी में शाम की चाय के साथ बनाई थी और ये शाम का खाना। फिर मैं तेल रखा हुआ था कढ़ाई में तो साथ के साथ पूड़ी आलू की सब्जी और ये बना दी। तो अब साथ में हम सब खाना खा रहे हैं, आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। सभी को जय माता दी।